हे गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि फिटनेस का सारा अपडेट सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल सिंह फिटनेसरा पे मिलेगा। तो मैं मनीष सिंह एंड आप लोग देख रहे हो सिंह फिटनेसरा। तो आज मैं फिटनेस इंडस्ट्री से बहुत सारा अपडेट लेकर आया, तो हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज का जो सबसे पहला अपडेट है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार अपडेट है, जो कि है भुवन चौहान की तरफ से। तो उन्होंने अपना करंट फिजिक अपडेट शेयर कर दिया एंड देख सकते हो आप, ये इनका करंट फिजिक अपडेट है। बाय द वे, पहले आप लोग बताना कि फिजिक कैसा लगा। और यदि मैं बताऊं फिजिक की बात करें तो फिजिक की बहुत ज़्यादा टॉप नोच लेवल का लग रहा है। और यह लास्ट वन मंथ से इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली चेंज करा खुद को। एंड आप देख सकते हो बैक का कंडीशन देख सकते हो। खैर, बैक तो इनका हमेशा डोमिनेट करता है, बैक इनका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। एंड फ्रंट लुक से भी आप देख सकते हो बहुत अच्छा खासा इन्होंने इस बार अपने फ्रेम्स में मसल पुट ऑन कराया। चेस्ट भी इनका हर साल, मतलब कंपेरिजन टू इस बार का भी देखा जाए तो पिछले साल इनका जो चेस्ट का मसल था बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं लगता था, बट इस साल इन्होंने कंप्लीट पैकेज पे काम करा और बहुत अच्छा इनका कंडीशन दिख रहा। बाय द वे, आप लोग कमेंट करके बताना कि इनका फिजिक कैसा लगा। नेक्स्ट अपडेट है ना, वो भी भुवन चौहान की तरफ से। तो उनसे किसी ने सवाल करा था कि डू यू थिंक यू विन इंडिया प्रो शो, तो उन्होंने लिखा था एस। तो आप लोग लाइक, मतलब इससे पता चलता है कि खुद पे लाइक बहुत इनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है और होना भी चाहिए। लाइक इस जिस तरीके से इन्होंने बहुत लाइक कुछ टाइम से इन्होंने इम्प्रूवमेंट कराए, उसके अनुसार देखेंगे हम लोग क्या होता है नहीं होता। बाय द वे, आप लोग भी कमेंट करके बताना कि क्या ये मुंबई वाले प्रो शो जीतेंगे या फिर नहीं। नेक्स्ट जो हमारा बात है वो है कि इनसे ही किसी ने पूछा था डू यू थिंक यू विल बी इम्प्रूव ऑन योर ओलंपिया पोजिशन दिस ईयर, तो इन्होंने रिप्लाई करा था कि आई विल इम्प्रूव ऑन द पैकेज ब्रिंग एब्सोल्युटली, दिस इज ऑल आई कैन कंट्रोल, आई विल बी 40, मतलब 14 LBS 2020 में लास्ट टाइम इन्होंने कॉम्पीट करा था ओलंपिया में। मैं बता दूं आप लोगों को कि ये 2020 में करा था और इस साल में उन्होंने मतलब 14 6.5 kg के आसपास इन्होंने इस साल मसल पुट ऑन करा है। तो देखते हैं किस तरीके से ऑन द स्टेज ओलंपिया के स्टेज पे भी किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, वो देखना होगा। नेक्स्ट अपडेट है वो है जुनैद कालीवाला की तरफ से। तो उन्होंने अपना फिजिक अपडेट शेयर कर दिया एंड देख सकते हो ये इनका करंट फिजिक अपडेट है। जैसा मेरे को लग रहा है ये मुंबई वाले प्रो शो से पहले किसी और भी शो में कॉम्पीट करने वाले हैं, और ऑफिशियली अभी इनके तरफ से कोई वैसा नहीं आया कि ये मुंबई वाले प्रो शो में कॉम्पीट करेंगे या नहीं। बाय द वे, करंट फिजिक की बात करें तो फिजिक बहुत अच्छा लग रहा है और इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करा है। एब्डोमिनल एरिया भी देख सकते हो, और इससे ही है ना कि इनमें लाइक अभी बहुत ज़्यादा हार्डनेस दिख रहा है अभी से ही। तो देखते हैं कब ये अनाउंस करते हैं कौन से शो में कॉम्पीट करेंगे, क्या मुंबई वाले शो में ये कॉम्पीट करते हैं या फिर नहीं करते हैं, वो हम लोग को देखना होगा। बट फिजिक बहुत ज़्यादा टॉप नोच लेवल का लग रहा है। बाय द वे, आप लोग भी कमेंट करके बताना कि इनका फिजिक आप लोग को कैसा लगा। हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है वो है अली बिलाल की तरफ से। तो देख सकते हो उन्होंने रिसेंटली एक पोस्ट शेयर करा करंट फिजिक अपडेट एंड देख सकते हो जो कि ओनली 4 डेज आउट हैं एंड ये इनका करंट फिजिक अपडेट है। बाय द वे, फिजिक की बात करें तो यार बहुत ज़्यादा बढ़िया फिजिक इनका लग रहा। इनका जो बेस्ट का रेशियो है ना बहुत ज़्यादा लाइक शार्प बहुत कम है और शोल्डर बहुत ज़्यादा ब्रॉडनेस है, और डेट्स वाई ये बैक टू बैक शो को जीत रहे हैं। तो देखते हैं अर्नोल्ड क्लासिक में इनका क्या पोजीशन होता है, किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। बाय द वे, कोई कमी नहीं है इनके, पैकेज फुल ऑन द पॉइंट है। तो देखते हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। भाई, जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है गुरुजी की तरफ से। तो उन्होंने लास्ट टाइम भी बताया था और फिर से उन्होंने एक बताया आप लोगों को कि यदि आप स्टेज पे अच्छा परफॉर्मेंस लाइक नहीं कर पाते, फिर अच्छा आपका प्लेस नहीं सिक्योर करता है, तो जो भी है उन्होंने कुछ बोला, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हमेशा आपको शिकायत रहती कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, और आपको नहीं भी होगी तो आपके साथ जो लोग गए हैं या आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आपका दिमाग ख़राब कर देंगे। अरे भाई, तू तो बड़ा तगड़ा था, तेरे साथ चीटिंग हुई है, क्योंकि वो एक तो बहुत दूर खड़े स्टेज से, दूसरा उनकी नज़र आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे होती है, सिर्फ आपकी वीकनेसेस पे उनकी बात ही नहीं होती। जज स्टेज के नज़दीक है, उसकी बहुत बारीक नज़र से देखता है आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आपके वीक पॉइंट वो कंपेयर करता है स्टेज पे दूसरे एथलीट से। तो जो भी डिसीजन आपको दिया गया है, आप सेकेंड आए, थर्ड आए, फर्स्ट आए, जो भी, उसको एक्सेप्ट करें, अपनी कमियों को पूछें, नेक्स्ट टाइम और बेटर परफॉर्मेंस के स्टेज पे आएँ। अभी आप अपनी पीक पे हैं और करीब 35 डेज के बाद अमेचर ओलंपिया इंडिया IHFF मुंबई में होने वाला है, आप लोग उसकी तैयारी में हैं। अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस, डेली ट्रेनिंग, डाइट, रिकवरी तीनों पे काम करें और जो रिजल्ट आए उसको एक्सेप्ट करें। स्टेज पे कभी झगड़ा नहीं करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना नेक्स्ट टाइम के लिए। थैंक यू। आज तो हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है वो है हंटर लबराड़ा की तरफ से। तो देख सकते हो ये इनका करंट फिजिक अपडेट है, और इन्होंने अपने कैप्शन में लिखा था मास विथ क्लास। तो आप देख सकते हो, बाय द वे, मास भी लग रहा हो, क्लास दोनों दिख रहा है इनमें।
एंड आप देख सकते हो ये इनका करंट फिजिक अपडेट है। बाय द वे फिजिक की बात करें तो फिजिक तो अच्छा खासा दिख रहा है, बट अभी बॉडी थोड़ा इनका सॉफ्ट लग रहा है। एंड जिस तरीके से बिग रैमी का लाइक अभी का प्रेजेंट का कंडीशन है उस टाइप से इनका नहीं दिख रहा, तो फिर देखेंगे लास्ट टाइम तक कितना ही खुद को इम्प्रूवमेंट करते हैं और किस तरीके से ऑन द स्टेज आते हैं, वो सब देखना होगा। आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या इस बार ये जीत सकते हैं या फिर नहीं, वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है वो है गुरुजी का ही, मुकेश गहलोत गुरुजी का ही एक स्टूडेंट है अभिषेक, तो वो भी एमेच्योर ओलंपिया में कम्पीट कर रहे हैं जो कि 27 से लेकर 29 अक्टूबर का होने वाला है मुंबई में। तो ये इनका करंट फिजिक अपडेट है। बाय द वे फिजिक की बात करें तो मेरे को ऐसा लग रहा है ये बॉडी बिल्डिंग में कॉम्पीट करेंगे, क्योंकि इनका जो पोजिंग स्टाइल है वो बॉडी बिल्डिंग का ही है। एंड देख सकते हो करंट कंडीशन तो ठीक ठाक लग रहा, बढ़िया लग रहा। एंड देखेंगे किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं और ख़ुद को रिप्रेजेंट करते हैं। बाय द वे आप लोग को कमेंट करके बताना कि इनका फिजिक आप लोग को कैसा लगा। गाइज तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। एंड यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।